हेलो एवरीवन, सो मेरा ग्लासगो का ट्रिप फिनिश करके मैं आई हूँ आज जनगरा में। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ी बारिश हो रही थी। एज यूजुअल हमेशा अम्ब्रेला कैरी करना होता है, सो दैट आई कैरीड माय अम्ब्रेला विथ मी। जनगरा का वेदर बहुत अच्छा है आज, तो अच्छा लग रहा है देखने से। बिट क्लाउडी है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सी हुई थी। देन इट्स ओके, होपफुली सारा दिन बारिश ना हो सो वी कैन सी लॉट ऑफ साइट सीन्स। वी हैव अ लिस्ट ऑफ इटिनरी वेयर वी आर गोइंग टू ट्रैवल एंड वेयर व्हाट वी आर गोना डू। सबसे पहले हम आए हैं एयरपोर्ट अपने रूम से निकल के कार लेने के लिए। वी हैव हायर्ड कार, सो कार से हमारे पास अपना कन्वीनियंस हो तो हम कार से ट्रैवल कर सकें। सो राइट नाउ आई एम इन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आप कार बुक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास कार बुक करने के लिए। सो यू कैन टेक अ कार विथ योर ओन आईडी एंड विथ योर ड्राइविंग लाइसेंस। सो हियर द ट्रैम इज पासिंग विच आई हैव नॉट सीन इन ग्लासगो। I'm not sure, I haven't seen, but maybe the Glasgow don't have the tram system. I have travelled only in ScotRail. So airport is quite big. What you got? I will not give this. Anyways, I know. Sweet air. What you got? Tell me first. Chocolate. Almond juice. For all. हम सुबह से एयरपोर्ट आए हुए, हम आ गए थे अराउंड 10 बजे कार लेने के लिए, बट कुछ इश्यूज हो गए। हमने जो कार बुक की थी वो की थी बजट कार से, तो जब हम यहाँ पे आए तो वो बोल रहे हैं हम आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको कार नहीं दे सकते हैं। सो वी वर ट्राइंग कि हम क्या करें, तो हमने यूरोप कार से बात किया, वहाँ पे दूसरा डीलर था, बट देन या दे वर रेडी टू गिव, बट उसकी टाइमिंग जो थी हमारे पास 2 बजे की थी कि 2 बजे ही हम दूसरी कार ले सकते हैं, अवेलेबल थी। देन तब से हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे एंड देन वी वर हैविंग सम स्नैक्स, डूइंग सम टाइम पास, सोशल मीडिया, इंस्टा, वॉकिंग अराउंड द एयरपोर्ट, एंड देन फाइनली वी गॉट द कार एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। जनगरा सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग्स एक जैसे है, आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये पीछे है ये जनगरा कैसल है जो कि मैं भी जाने वाली हूँ। एंड एवरीवन नोज द फेमस बुक एंड मूवी हैरी पॉटर, उसकी जो राइटर है जेके रॉलिंग, शी इंस्पायर्ड एक्चुअली फ्रॉम दिस सिटी। एंड यू कैन सी एंड वी ऑल लव दैट मूवी एक्चुअली। बहुत अच्छा लगा। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैसल। दिस कैसल इज क्वाइट बिग एंड ब्यूटीफुल। द एडिनबरा सिटी इज ब्यूटीफुल, यू कैन सी द कंप्लीट व्यू फ्रॉम द कैसल। दिस एरिया इज क्वाइट बिग। స్మెల్ కూడా అలాగే పెట్టారే, ఓలో స్మెల్ బి ఏసే చేయాలి జన్బరా డంజన్ ఇస్ క్వైట్ అమేజింగ్. హమందర్ గయే బట్ ఐ కుడెంట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ వీడియో అండ్ ఫోటో బికాస్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ వీడియోగ్రఫీ ఇస్ నాట్ అలౌడ్, బట్ ఇట్స్ అ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ కి యాక్టింగ్ థీ అండ్ దెన్ ప్రాపర్ దిఖా రే వహా పే బీచ్ బీచ్ మే హారర్ హే, సో ఇట్స్ క్వైట్ స్క్వేరీ, సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్వైట్ స్క్వేరీ एंड उनकी एक्टिंग जो है वो फैबुलस है। यू कैन टेक इट्स अ काइंड ऑफ स्किट जो थोड़ा स्केरी है, बट द एक्सपीरियंस इज रियली अमेजिंग। सब कुछ यहाँ पे आसपास है। जो एडिनबरा डंजन में अभी होकर आई हूँ उससे जस्ट 400 मीटर पे ये एडिनबरा कैसल है, उसके बाद मैं जा रही हूँ कैमरा ऑब्स्क्यूरा एंड आई होप कि उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। वो भी एक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है। सो मेरे शो का टाइम हो रहा है, आई कम बैक फ्रॉम देयर एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू।
Orange, blue, white. Orange color, blue. Blue, orange. This place is amazing and बहुत मजा आ रहा है. यहाँ पे lots of games है, 3Ds है and बहुत सारी lighting effects है. देखी होगी, विच इज़ आई एम श्योर कि सबने देखी होगी. तो उस पर अगर आप लोगों ने वो मूवी अगर आपने हिंदी में देखी है तो अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें एक छू मंतर गली के नाम से है, जहाँ पे हैरी पॉटर अपने सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अपने जो भी है उसके मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके लेने के लिए जाता है. तो स्ट्रीट को उसके नाम से फेमस है. तो जो जेके रॉलिंग है वो स्ट्रीट से इंस्पायर हुई थी एंड दैट शॉट जो छू मंतर गली है उसे यहाँ से शूट किया गया, यहाँ से लिया गया है. तो इसे मैजिकल स्ट्रीट हैरी पॉटर के नाम से जाना है. हे, सो मैं जा रही थी कार से दूसरी एक साइट सीइंग करने के लिए. तो रास्ते में हम कार से आ रहे थे. ये रास्ता है यहाँ से कार, ये बाई रोड है. तो ये सरसों का खेत दिखा, रोड के दोनों तरफ सरसों के खेत है. और एज़ यूजुअल सरसों के खेत से बहुत सुंदर स्मेल आती है. एज़ यूजुअल सरसों के खेत से बहुत अच्छी स्मेल आती है. सो आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ एंड मैंने सोचा कि चलो कार से उतर के थोड़ा सा साइट सीइंग कर लिया जाए. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये कार पास हो रही है एंड द लवली व्यू ऑफ दिस वन, वो माउंटेन्स यहाँ से दिख रहे हैं एंड ये सरसों का खेत, आई लव इट.
अच्छे व्यू पॉइंट पे हैरी पॉटर में जब ट्रेन हॉगवर्ट्स जाती है तो बीच में एक सीन आता है जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है एंड देन स्टीम निकलती है ट्रेन. सो फाइनली ट्रेन को चेस करते करते ट्रेन तो मिल गई लेकिन हमने ब्रिज का व्यू मिस कर दिया. तो एज अगर किसी को याद नहीं है मैं याद दिला दूं तो ये जो ट्रेन है ये हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन है. हैरी पॉटर में हैरी पॉटर एंड एवरीवन जो है ट्रेन 9 3/4 प्लेटफॉर्म से लेते हैं एंड देन वो पहुंचते हैं हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस थ्रू दिस ट्रेन. तो हमने व्यू तो मिस कर दिया ब्रिज का, देन वी थॉट कि चलो ब्रिज देख लेते हैं. तो दिस इज़ द व्यू, यहाँ से ट्रेन पास होती है एंड ट्रेन बहुत अच्छी लगती है एज जैसे कि मैंने दिखाया ट्रेन से स्टीम निकल रही होती है. नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी डेफिनेटली मैं ट्रेन बुक करूँगी बिकॉज मुझे अंदर से ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है. इस बार एक्चुअली ट्रेन की बुकिंग नहीं हो पाई क्योंकि ट्रेन जो है जैसे कि देखने पे ट्रेन छोटी है एंड बुकिंग्स उसकी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है. हमने देखा कि ट्रेन की जो बुकिंग्स है वो अंटिल अक्टूबर जो है वो कम्प्लीटली फुल है. सो दैट्स द रीज़न, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ट्रेन बुक नहीं हो पाई एंड हम ट्रेन के अंदर का एक्सपीरियंस नहीं ले पाए बट आउटसाइड व्यू इज़ ऑसम, बहुत अच्छा है.